गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। तो हमने कल प्रीवियस क्लास में मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट किया था, आज हम आके स्टार्ट करते हैं। हमने फोर डिजिट नंबर्स के बारे में पढ़ा था, अब हम मूविंग ऑन यानी फाइव डिजिट नंबर के बारे में पढ़ेंगे। यू नो दैट व्हेन वी पुट टुगेदर द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वी गेट डिफरेंट नंबर्स। इन क्लास 3 वी हैव स्टडीड अप टू फोर डिजिट नंबर, नाउ वी शैल स्टडी लार्जर नंबर्स। देखो हमने क्या किया, 1, 2, 3, 4 को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो 1 डिजिट नंबर बनता है, फिर 2 डिजिट नंबर बनता है, फिर 3 डिजिट बनता है, 4 डिजिट। तो ठीक है, क्लास 3 में आप लोगों ने 4 डिजिट नंबर तक पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे 5 डिजिट नंबर के बारे में। ठीक है, अब जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर वो क्या होता है, 9999 यानी 4 बार 9। ठीक है, अब हम लोग अगर 9999 में 1 प्लस करेंगे, एक और जोड़ेंगे तो क्या आ जाता है, 10,000। ठीक है, ठीक है, 10,000 आ गया। अब देखो पहले हम तो क्या पढ़ते थे कि पहले यूनिट का प्लेस होता है, फिर टेंस का प्लेस होता है, फिर 100 का, फिर 1,000 का, बस इतना ही पढ़ता। अब 1,000 के बाद जो प्लेस होता है वो होता है 10,000 का। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 50,000, तो ये क्या हो गया, देखो ये वंस का प्लेस हो गया, ये टेंस का प्लेस हो गया, ये 100 का प्लेस हो गया, ये 1,000 का, और ये जो 5 है ये है 10,000 का प्लेस है। ठीक है, 10,000 का प्लेस। ठीक है, अब देखिए आगे एक्सरसाइज करते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर नेम्स एज न्यूमरल्स। ठीक है, हमको जो नंबर के नेम्स दिए उन्हें नंबर्स के हिसाब से लिखना है। तो पहला देखो लिखा हुआ है 5,000। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 5,000 को लिखते हैं 5, फिर 700, तो 100 की जगह में 7, फिर 23, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब देखो 43,000 बोल रहा है, तो सबसे पहले तो 43,000 को लिख दो। ठीक है, उसके बाद 1,000 के बाद हम जानते हैं 100 का प्लेस आता है, तो 500, तो 100 क्या 500, उसके बाद 27, तो 27, ये हुआ आपका 5 डिजिट नंबर। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हुआ, 24,000, 24,000, 200, तो 251। ठीक है, ऐसे लिखाएगा। उसके बाद है 80,091, तो 80,000 लिख दिया पहले। अब देखो 1,000 के बाद क्या आता है, 100, 100 की जगह में कुछ भी नहीं है तो लिखेंगे 0, फिर 91, तो 91। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद देखो 69,000, तो 69,000, फिर 700, 1,000 के बाद क्या आता है, 100 का आता है, तो 794। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद जो है फिल इन द ब्लैंक्स बाय काउंटिंग इन हंड्रेड्स। ठीक है, इन ब्लैंक्स को आपको कैसे फिलअप करना है, हंड्रेड्स में काउंट करके। ठीक है, तो ठीक है, तो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय काउंटिंग इन हंड्रेड, मतलब हमको जो वर्ड दिया हुआ है उसमें 100 प्लस कर करके हमें इसको ब्लैंक्स को फिल करना। तो देखो पहला क्या है, वो दिया हुआ है 24,400। ठीक है, तो सामने का जो 24,000 उसको आप छोड़ेंगे, पीछे देखेंगे कितना 400। ठीक है, उसके बाद देखिए 24,500, सामने का 24 एज इट इज़ है, देखो पहले वाले में भी 24,000, सेकंड वाले में भी 24,000, जो चीज़ इंक्रीज़ हो रही है वो क्या है, 1,000। ठीक है, तो पहले 400 था फिर 500, तो यहाँ पे क्या आएगा 24,600, फिर 24,700, फिर 24,800। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड वाला 56,500, फिर 56,600, यानी कि 56,000 दोनों में कॉमन है, हमको हंड्रेड्स में आगे बढ़ाना है, यानी इन सब डिजिट में हमें 100 प्लस करना है। तो देखो 56,500 में 100 प्लस करोगे तो आएगा 56,600, अब 56,600 में फिर से 100 प्लस करोगे तो कितना आएगा 56,700, फिर उसमें प्लस करोगे तो कितना आएगा 56,800, फिर उसमें 100 प्लस करोगे तो 56,900। ठीक है, अब देखिए थर्ड वाला 62,346, उसके बाद है 62,446, सब में हमें 100 प्लस करना है। ठीक है, तो अब देखो 62,446 में जब आप 100 को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 6 और 0 6, 4 और 0 4 4 और 1 5 2 और 6, तो कितना है 62,546, ऐसे ही आपको प्लस करना है। ठीक है, तो आएगा क्या 62,546, फिर आएगा 62,646, फिर आएगा 62,746। ठीक है, उसके बाद वाले दोनों में भी आपको सेम ऐसे ही करना है। ठीक है,
ये आप अपनी बुक में करेंगे। उसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स बाय काउंटिंग इन थाउजेंड। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, हंड्रेड प्लस करते, अब हमें थाउजेंड प्लस करना है, ठीक है। वन थाउजेंड सब में जोड़ते जाएंगे, तो पहले देखो ट्वेल्व थाउजेंड था, फिर ट्वेल्व थाउजेंड में देखो मैं एग्जाम्पल देती हूँ, ट्वेल्व थाउजेंड ये था, ठीक है, इसमें हमें वन थाउजेंड प्लस करना था, तो कितना आता देखो, ज़ीरो और ज़ीरो, हाँ